हेलो भाई, स्वागत है आप लोग हमारे एक और न्यू वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं इंस्टाग्राम के एक न्यू अपडेट के बारे में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि कौन सा इंस्टाग्राम का न्यू अपडेट आया था। हाँ फ्रेंड्स, आप सही देख रहे हैं, इंस्टाग्राम की तरफ से एक न्यू अपडेट आया है जिसके तरफ से जहाँ पर मेटा वेरीफाइड लिखा होगा, इंस्टाग्राम की तरफ से न्यू अपडेट दिया गया है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि आप कितना भी फॉलोअर है आपका, फिर भी आप अपने अकाउंट को वेरीफाइड कर सकते हो। जी फ्रेंड्स, आपको कुछ स्टेप है इंस्टाग्राम की तरफ से दिए गए हैं, उस स्टेप को आपको फॉलो करना है और उसके बाद इंस्टाग्राम के सभी यूजर्स को आपको जो वो स्टेप फॉलो करेगा उसको उसका अकाउंट वेरीफाइड कर दिया जाएगा, यानी उसको ब्लू टिक मिल जाएगा। आपका कितना भी फॉलोअर वो मायने नहीं रखता फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखे ही होंगे। बस आपको 1,000, 2,000, 200, 400 कितना भी फॉलोअर हो, फिर भी आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो उस आज के वीडियो में हम वही बताने वाले हैं कि कौन कौन से वो स्टेप है जिसको फॉलो करने के बाद आपको ब्लू टिक मिल सकता है और मिल जाएगा। देखिए, जैसा कि आज आपको हम अपने लाइफ प्रूफ अपना अकाउंट वेरीफाइड करके और दिखाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली तो सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स देखिए, इंस्टाग्राम आपको ऐप ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आ जाना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आ जाना है, उसके बाद आपको प्रोफाइल के ऊपर जस्ट राइट साइड में आपको थ्री लाइनिंग का ऑप्शन दिखेगा, आपको थ्री लाइनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, थ्री लाइनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने का, देखिए यहाँ पे मेटा वेरीफाइड यानी सेव्ड के जस्ट नीचे यहाँ पे मेटा वेरीफाइड वाला है, जो इंस्टाग्राम की तरफ से न्यू अपडेट आया, यही है मेटा वेरीफाइड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे आपका वेरीफाइड इनेबल होगा, देखिए इसको कैसे इनेबल करना है। इसके लिए आपको सबसे ऊपर वाले ऑप्शन सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए सर्च बार दिखेगा, सेटिंग में यहाँ पे आपको सर्च बार देखिए, यहाँ पे आपको सर्च करना है वेरीफिकेशन। देखिए रिक्वेस्ट वेरीफिकेशन यहाँ पर सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट वेरीफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ फॉर्म टाइप से मिलेगा, देखिए यहाँ पे कुछ स्टेप है, इसको आपको भर देना है। देखिए एकदम आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर आपका यूजर नेम, देखिए अप्लाई फॉर इंस्टाग्राम वेरीफिकेशन यानी इंस्टाग्राम वेरीफिकेशन के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। देखिए यहाँ पर अंसारी है मेरा यूजर नेम, Ansari06, तो यहाँ पर यूजर नेम पहले से ही लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको अपना फुल नेम डाल देना है, जो भी आपका यहाँ पे नेम है वो डाल देना है आपको यहाँ पे फुल नेम। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका फुल नेम डला गया, देखिए यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट टाइप यानी यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट देना है कुछ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको 4-5 ऑप्शन मिला, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड। देखिए यहाँ से आपको 5 ऑप्शन, यहाँ से जो भी आपके पास है यहाँ से आपको दे देना है। देखिए अगर आपके पास आप आधार कार्ड से सिंपली यहाँ पर ब्लू टिक लेना चाहते हो तो आपको थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड। देखिए यहाँ पे नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड पे क्लिक करना है और देखिए यहाँ से उसके बाद उसका जो आधार कार्ड है उसका यहाँ पे आप फोटो देना है। तो देखिए ऐड फाइल वाले जस्ट नीचे ऐड फाइल का ऑप्शन दिखेगा, आपको ऐड फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओपन अ फोटो गैलरी में जाना है, उसके बाद यहाँ से आपको देखिए आधार कार्ड का फोटो लेना है। देखिए मेरा आधार कार्ड का फोटो यहाँ पर है तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद आपको नीचे आना है। देखिए नीचे आने के बाद यहाँ पर कैटेगोरी है यानी आप किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो या फोटो डालते हो, जैसे मैं फैशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपके कंट्री का नाम डालना है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप जिस भी देश से हो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है, इंडिया, जैसे मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ पे आपके कंट्री का नाम सर्च कर लेना है। देखिए यहाँ पर हो गया, उसके बाद आपको नीचे देखिए यहाँ पर ऑडियंस है और ऑल्सो नो नाउ एज यानी ये सब ऑप्शनल में, आप डाले और मन है तो डालिए और नहीं मन है तो नहीं डालिए, डाले और नहीं डाले कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका देखिए यहाँ से अगर आपको किसी दूसरे ऐप पर आप एक्टिव है जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, तो यहाँ पे आप उसका लिंक डाल सकते हो फ्रेंड्स, ये भी ऑप्शनल में है, आप डाले तो भी ना डाले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, सिंपली उसके बाद आपको नीचे आना है और देखिए नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखिए फ्रेंड्स सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ देर वेट करना है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा रिक्वेस्ट सबमिट हो चुका है। देखिए यहाँ पे आप क्या लिखा गया है, यूर रिक्वेस्ट टू वेरीफाई दिस अकाउंट इज करेंटली अंडर रिव्यू, यू कैन एक्सपेक्ट टू रिस्पोंड विद इन
30 डेज यानी देखिए फ्रेंड्स 30 डेज यहाँ पे देखिए सिंपली यहाँ पे इंस्टाग्राम की तरफ से यही कहना है कि मतलब देखिए आपका अकाउंट वहाँ पे रिक्वेस्ट वेरीफाई है जो अंडर रिव्यू यानी रिव्यू में चला गया यहाँ पे इंस्टाग्राम यहाँ पे आपके अकाउंट को वहाँ पे चेक करेगा और अच्छे से देखेगा आपका अकाउंट फेक फॉलोअर या फेक लाइक्स नहीं है। और उसके बाद आपको 30 दिन के अंदर इंस्टाग्राम की तरफ से आपको अगर आपका अकाउंट पूरी तरह से लीगल होगा तो आपको ब्लू टिक दे दिया जाएगा और अगर गलत होगा आपका अकाउंट तो वहाँ पे आपको ब्लू टिक नहीं मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स ऐसे करके आप अपने अकाउंट को ब्लू टिक के लिए अप्लाई कर सकते हो। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।